जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल डॉक्टर ओम चो में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और इस चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनुराशि कुंभ राशि के जातकों को सच्चे प्यार के संकेत क्या क्या है। उससे पहले आप निवेदन, आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, बाबा महाकाल को मानते हैं, श्री राम जी को मानते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में उनका नाम जरूर लिखें दोस्तों, ताकि जय श्री महाकाल लिखें या तो कमेंट्स में जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका नाम जरूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको सच्चे प्रेम के क्या क्या संकेत हैं। पहला संकेत जो है सबसे महत्वपूर्ण है, वो व्यक्ति का भावनात्मक पहलू मजबूत और मजबूती इस प्रकार से कि भावनात्मक रूप से आदमी बहुत नॉर्मल हो जाता है, भावुक हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर उसके आंसू आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों को महसूस करने लग जाता है ना, फीलिंग जो है एहसास, वो बड़ा सेंसिटिव जोन हो जाता है। यह पहली प्राथमिकता है। आम इंसान की जो हड़ताल होती है ना, वो किसी भी चीज़ को दर्द को देकर सहम जाता है केवल, लेकिन जो रियल होती है ना, रियल फीलिंग, वो तब उसे एहसास होता है। वो एहसास ही एक अलग होता है उसे, इसलिए मैं आपको महसूस करके बतला रहा हूँ क्योंकि मैं ईश्वर से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे ईश्वर से जितना प्यार है और उनकी कृपा से ही जो भी हूँ, तो वो ही सच्ची बात है, आपको बता रहा हूँ। दूसरा है, आप श्रद्धावान हो जाते हैं, आपको ईश्वर पर पूर्ण विश्वास हो जाता है, या जिनसे भी आप प्यार करते हैं उन पर पूर्ण विश्वास हो जाता है आपको। तीसरा है, आप त्यागी हो जाते हैं, आपको त्याग करना आ जाता है, लोगों को देना सीख जाते हैं आप। न जाने कौन सी शक्ति आपके पीछे काम करती है, आप खुद नहीं इस बात को समझती। प्यार का ये सिर्फ और सिर्फ साधारण रूप बता रहा हूँ मैं। चौथा है कि व्यक्ति प्यार के जब प्यार उसे किसी से होता है या प्यार के दौरान अगर व्यक्ति है पूर्ण पूर्ण श्रद्धावान है, तो व्यक्ति के साथ ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जो सिर्फ वही महसूस कर सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है प्यार के संकेतों में। प्यार होने के बाद व्यक्ति को ईश्वर पर पूर्ण आस्था हो जाती, विश्वास हो जाता है और एक अद्भुत ही दुनिया जो होती, देखने का नज़रिया दुनिया को पूरा बदल जाता है। प्यार की एक बहुत ही खूबसूरत बात यह भी है कि दुनिया को देखने का नज़रिया हमारा बदल देता है और ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, जो समझाया जाता है, उस सभी धागों को तोड़कर इस दुनिया को एक अलग ही नज़रिए से देखना, ये केवल प्यार ही कर सकता है दोस्तों। और वही चीज़ है जो समाज उसे अपनाता नहीं है, समाज के खिलाफ होता है, कई चीज़ें होती है, लेकिन वो एक विषय अलग होगा, उस पर मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। लेकिन फिलहाल हम प्यार की बात करें और मेरा जो भी अनुभव है, ईश्वरी प्यार और एक भक्त के प्यार के बीच का अनुभव है, शायद यही प्यार पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखेंगे, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। डॉक्टर ओम चो से बात करने के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फ़ोन लगाएं और जय श्री महाकाल बोलें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।